यार थोड़ा सा ना जितना भी है, देखो हम पढ़ते हैं उसका एक ठीक है, कितना पढ़ें कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो आप सारे नहीं पढ़ सकते, ठीक है, या आपने उनका एक फंक्शनल नॉलेज ले रखी है, जैसे जेनेटिक वगैरह मैंने टॉपिक डिस्कस कर रखी है। जो पहला सवाल है जेनेटिक से रिलेटेड, मैं टॉपिक डिस्कस कर रखा 150 टॉपिक जो भी ये प्रो सीरीज है मैंने डिस्कस कर रखी है। पर मान लो मैंने नहीं भी कर रखा तो हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? देखो तो पढ़ना एक तरीका होता है, उसको एप्लीकेशन अलग तरीका होता है, और तीसरा होता है जुगाड़ कि भाई आप रीड रीड इन बिटवीन द लाइंस, ये बताया जाता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है आपको। अगर आपको क्वेश्चन फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, कैन बी मे बी ना, तो चांस है कि ठीक होगा वो, क्योंकि कैन बी मे बी में फ्यूचर भी तो कंसिडर कर सकते हैं ना, फ्यूचर में ऐसा हो जाए क्या पता, ठीक है ना। तो कैन बी मे बी में फ्यूचर को भी कंसिडर करते हैं, फ्यूचर में कोई ऐसी साइंस आ जाए जो हो जाए तो उसका आंसर ठीक ही होता है ना। तो क्वेश्चन को वो मैंने बताया कि आपने जो पढ़ा है एज इट इज आ जाए, या फिर आप थोड़ा बहुत जुगाड़ कर दो और रीड इन बिटवीन द लाइंस स्टेटमेंट्स को पढ़ो, ठीक है ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने फिर क्वेश्चन निकाले, यूपीएससी के ही सारे पिछले 5-7 साल के, उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पहला सवाल कह रहा है जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। एक मिनट दूसरा लेता हूँ पेन, एक सेकंड, ठीक है। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस, द वर्ड इज कैन बी, जेनेटिक चेंज कर सकते हो, जीन लेवल पे डीएनए को चेंज कर सकते हो इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, ठीक है। कैन बी कॉन्सेप्ट तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये हम फिर कर लेंगे। ए पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड, किया जा सकता है, कैन बी। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी, द वर्ड इज कैन बी। तो तीनों में कैन बी है, जब मैं कैन बी की बात करता हूं तो फ्लेक्सिबिलिटी है कहीं ना देयर इज अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑप्शन इज 1, 2, 3, आर यू गेटिंग? आपको ऐसे देखना चाहिए चीजों को कि कैन बी, तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे रहा है वो, कैन बी इंजेक्टेड इनटू यस मे बी, किसी ने ना भी पढ़ा हो यार, आपको तो क्वेश्चन ठीक करने हैं ना, समझो ना इस बात को। आप डेप्थ में कितना जा सकते हो चीजों को, नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन एलिफेंट्स, देखो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, ये तो पता ही है कि मैट्रियार्क फैमिली होती है, लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल, हमेशा फीमेल होती है, मैट्रियार्क, मेल कुछ साल तक साथ रहते हैं फिर वो अलग अलग चले जाते हैं, ठीक है, सिंगल रहते हैं, मेल अलग रहते हैं, फीमेल लीड करती है, क्योंकि केयरिंग नेचर नर्चरिंग नेचर पूरे फीमेल ही करती है। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी, अगेन कैन बी, 22 मंथ्स, ठीक है। चलो एलिफेंट मैंने डिस्कस कर रखा है, मैंने एलिफेंट पहले पढ़ाया भी है, इसके बारे में बातें डिस्कस की हैं, ठीक है। पर कोई नहीं, मैंने थोड़ी सी इसकी इकोसिस्टम से रिलेटेड बातें की थी कि हाउ इट्स ए की स्टोन स्पीसी, द रोल ऑफ टस्क क्या है, ठीक है ना, इसका एज ए की स्टोन कैसे है, मैंने बताया था कुछ फैक्टर्स कंसिडर करके। और चलो क्वेश्चन पूछा इन्होंने, फीमेल है, मेट्रियार्क है, मैक्सिमम नेचर में कोई भी, जैसे टाइगर है, लाइन है, कोई भी है, तो फीमेल ही ध्यान रखती है बच्चों का, फीमेल ही ध्यान रखती है, मेल नहीं रखता ध्यान, नहीं रखता, फादर नहीं करता। पर कुछ केसेस आए हैं टाइगर में, मेरे को याद तो नहीं कौन सा नेशनल पार्क था, बांधवगढ़ था, कौन था, फीमेल टाइगर मर गई थी, मतलब समहाउ इंजरी से लड़ाई, तो मेल टाइगर ने दोनों कब्स का ध्यान रखा था, दोनों कब्स को बड़ा किया और फिर वो चले गए थे, मतलब ये बहुत रेयर होता है। तो टाइगर फैमिली में भी देखने को मिला, टाइगर में भी देखने को मिला कि मेल टाइगर ने ध्यान रखा, अदरवाइज इन जनरल कोई भी सवाल आ जाए फीमेल ही होती लीडर। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी ऑफ 22 मंथ्स, कैन बी, यस बड़ा है, ठीक है। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली डू गो काउ टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, द वर्ड इज ओनली, दिस वेरी पॉइंट इज नॉट प्रोवाइडिंग मी द फ्लेक्सिबिलिटी, आई एम नॉट श्योर कि भाई 40 ईयर ओनली, 38 हो सकता है, 42 हो सकता है, समहाउ कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशन, स्पीसी टू स्पीसी वेरिएशन, एक इंडिविजुअल के वेरिएशन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट प्रोवाइडिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी, तो तीन ऑप्शन को तो काट दो। चलो पहले तीन को काटते हैं, तीन में कटने से क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पहला ऑप्शन ठीक है, ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है, तो पहला किस में ही है, आंसर तो वैसे आ ही गया 1 और 2,
वन और टू, एक ऑब्जर्वेशन और बता देता हूँ. इन जनरल जब यूपीएससी मेंशन करती है ना अमंग द स्टेट्स इन इंडिया, द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरल, नहीं कर्नाटक. दैट्स इन कर्नाटक, कर्नाटक. ये गलत देती है फैक्ट, जिस तरह की यूपीएससी ना गलत देती है, ऐसा डाटा गलत देती है यूपीएससी, ऐसा जिसमें फिगर मेंशन हो, फिगर मेंशन हो, ये भी गलत देती है यूपीएससी ना बहुत बार. तो वैसे तो फिगर आप कहोगे इसमें भी है 22 मंथ्स में, पर कैन भी है ना, कैन भी के साथ था. ठीक है, तो ये है कि इस तरह की स्टेट का नाम दे देंगे, तो आपको कह देंगे टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तराखंड में, नहीं मध्य प्रदेश में. ठीक है, तो ये तो चलो सर्वे आते हैं, इनमें तो पता ही लग जाता है कि सबसे ज्यादा कहाँ है, ये तो बेसिक सवाल है वैसे भी. और वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हो रहा था हमारा ना, तो ये भी हमारा एलिफेंट से रिलेटेड हो गया. तो मेरा आपको कहना है कि जैसे एलिफेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये, इसको थोड़ा देख लो. पास्ट ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू आपका बहुत अच्छा बेस तैयार कर देंगे. पीवाईक्यू में आप लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, मैं बता दूं. जैसे पीवाईक्यू में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पे भी सवाल आया है, पीवाईक्यू में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पे भी सवाल आया है, पीवाईक्यू में फॉरेस्ट राइट एक्ट पे भी सवाल आया है. लोग इनको हर साल तैयार करते हैं पता नहीं क्यों. ठीक है, आप बेसिक तैयार करो, जो यूपीएससी ने ऑप्शन दिए हैं और मान लो ऑप्शन सारे ठीक है, एटलीस्ट उन ऑप्शन को तो पढ़ लो ना, आपके वो नेक्स्ट ईयर एलिमिनेट करने में मदद करेंगे. अब एलिफेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, एलिफेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अब आगे कोई पूछता है यूपीएससी में, मान लो अगले साल कभी आता है सवाल, तो आपको एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन है कि भाई फीमेल है, 22 मंथ्स है, कर्नाटका लीडिंग स्टेट है. ठीक है, तो कुछ ना कुछ एलिमिनेट करने में मदद होगा आपको. ठीक है, इन ऑप्शंस को पॉइंट की तरह यूज कर लो, अपने नोट्स में डाल लो जो ऑप्शंस ठीक हैं, जो ऑप्शंस ठीक हैं इनको नोट्स में डाल लो. ठीक है, वो बड़ी मदद करेंगे आपकी. ठीक है, चलो अब तक मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, मैंने ऑप्शंस को ही एलिमिनेट किया है. ठीक है, अब ये आ जाओ, देखो ये सवाल है, कुछ कह रहे हैं कि ऐसे सवाल कैसे करें, कौन पढ़ के जाए. अब जिसको, अब लोकेटेड इन कावेरी बेसिन, यार आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ते हो इसके लिए प्रीलिम्स के लिए, या फिर आप एनवायरमेंट भी पढ़ते हो, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ, लोकेशन तो एटलीस्ट बंदा देखता ही है. लोकेशन तो एक बहुत, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी लोकेशन, लोकेशन तो एक बेसिक एस्पेक्ट है, वो तो आप पढ़ोगे. अब कावेरी कहाँ से पास करती है, तो बेसिक सवाल होता है, एनसीईआरटी में भी दिया है भाई, कर्नाटका में कहीं से निकलती है और तमिलनाडु में से जाके बे ऑफ बंगाल में निकलती है. माउथ कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, मतलब कर्नाटका से तमिलनाडु होते हुए जाती है कावेरी. जिसको ही पता है, मान लो मैं कहूँ बनाऊ इंडिया का साउथ का, तो ये कर्नाटका होगा और यहां से होते हुए यहां चली जाती है, कर्नाटका से ये हो गया, ध्यान रखना. ठीक है, मेरे को इतना पता है, तो फिर मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूं. पर आप थोड़ा सा ना साउथ इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट के, अंडमान के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं एक वो दे दूंगा अलग से चार्ट के, उनके आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एटलीस्ट नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क कम है, नेशनल पार्क थोड़े कम है, समझ रहे हो, नेशनल पार्क 104 105 के करीब है, सेंचुरी तो मोर देन 500 है, 550, मोर देन 550 है, बहुत याद नहीं होंगी, कुछ ही प्रोमिनेंट याद रहेंगी. तो इसमें इनकी लोकेशन जरूर पता हो आपको साउथ इंडिया में ना. अब जैसे मुझे ये पता था जब मैंने दिया कि पैपिकोंडा नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में बस. और तुम लोग अपने का सच्ची इसको म्यूट कर लो यार, जो भी है ना पार्टिसिपेंट, प्लीज म्यूट इट, म्यूट करो ऐसे. झूठी। एक बार आप पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पे कर दो म्यूट ऑल, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक मैं करना, करता हूँ, मैं करता हूँ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करना एक बार, यहाँ पे आएगा म्यूट ऑल। म्यूट ऑल कर देता हूँ. ठीक है, ठीक है, यस अलाउ पार्ट। ठीक है, ना उनको नो कर देना, मैंने अलाउ. ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, दिस इज पैपिकोंडा नेशनल पार्क. ठीक है, एक सेकंड, उसको एक सेकंड, कल को ठीक है, जब ठीक है बेटर। हाँ ठीक है ना, मैंने उनको भी ऑप्शन दे दिया. सही है, कभी और करना होगा। हाँ, किसी को पूछना कुछ तो देखो, ऐसा है, दिस इज पैपिकोंडा नेशनल पार्क. अब मुझे इसकी पता है लोकेशन आंध्र प्रदेश में, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा बाकी तीन क्या कह रहे हैं. मैं दो ऑप्शन को ढूंढूंगा, दो ऑप्शन कहाँ नहीं है, एटलीस्ट मैं उसको तो कट करूं. मैं पहला ऑप्शन काट दूंगा, वो आंध्र प्रदेश में ही, तो पता है मुझे पैपिकोंडा नेशनल पार्क जब है आंध्र प्रदेश, पहला कट कर दिया. मैंने डी को भी कट कर दिया,
मैंने डी को भी कट कर दिया। अब सवाल आ गया बी और सी में, सवाल है बी और सी में। अब नागरहोल नेशनल पार्क ठीक है कर्नाटक में है, ठीक है नागरहोल कर्नाटक में है, तो लोकेशन अगर पता हो सत्यमंगलम तमिलनाडु में है और वायनद केरल में है। अब आप कहोगे केरल कावेरी, कावेरी रिवर नहीं पूछ रहा, कावेरी बेसिन पूछ रहा है। कावेरी बेसिन मतलब कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरीज केरल से भी निकलती हैं, ठीक है जैसे काबिनी रिवर है, काबिनी केरल से निकलती है, सत्यमंगलम भवानी रिवर होगी, ठीक है नागरहोल होगा। तो मेरे को सिर्फ लोकेशन पता हो ना मैं क्वेश्चन एलिमिनेट करता हूँ। तो एटलीस्ट जब मैप दूंगा आपको नेशनल पार्क का, मैं सर को बोल दूंगा, मैं दे दूंगा, तो उसमें ये ऑप्शन होगा आपके पास कि लोकेशन तो एटलीस्ट देख लो आप, कि जैसे कावेरी का मुझे पता था, कल को आपसे कृष्णा का पूछ लेंगे कौन सा कृष्णा के रिवर के बेसिन पे है। और एक दे रखा हो आपको कान्हा नेशनल पार्क, ऊपर है वो मध्य प्रदेश में, एटलीस्ट वो तो एलिमिनेट करो आप, लोकेशन आपको पता है, ठीक है वो तो एलिमिनेट करो आप, ठीक है। तो इस तरह इनको हमें देखना है, इनका कुछ लोड नहीं लेना, बेसिक सवाल है, साउथ इंडिया को हम अच्छे से कवर करना बस। एक सवाल इस पे आओ 28th पे मैं निकालता हूँ इस पे, ठीक है। अब ये देखो सीधा सवाल है, अब आंख बंद करके मैंने तुम्हें फिर बताया कि कोई भी क्वेश्चन इफ दैट प्रोवाइड्स मी फ्लेक्सिबिलिटी आई वुड मार्क इट एज 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 ए राइट एज ए राइट ऑप्शन, ठीक है आई वुड मार्क इट एज ए राइट ऑप्शन इफ दैट प्रोवाइड्स मी ए काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पहला क्वेश्चन देखो, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बिवोरस, सम यस मे बी, आपको सारी स्पीसीज थोड़ी पता है, आपको क्या पता कितनी स्पीसीज, कोई निकलाएगी फ्यूचर में फिर क्या करोगे, अगर यूपीएससी इसको गलत दे दे, यूपीएससी मान लीजिए कहे नहीं कोई भी नहीं है ऐसा, कोई ऐसा हो सकता है फ्यूचर में निकला है स्पीसी कोई वो हर्बीवोर हो, फिर क्या करोगे, ठीक है ना। तो वही सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स। अब मैं एग्जांपल भी देता हूँ, ग्रीन सी टर्टल, ग्रीन सी टर्टल हर्बीवोर। अब आप मेरी बात सुनो, मुझे ना भी पता तो भी मैं लगा के आता, मैं इतना डैम श्योर थोड़ी हो सकता हूँ कि नहीं टर्टल्स तो सारे कार्निवोर्स होते हैं, हो ही नहीं सकता ऐसा, मतलब कितना रिजिडनेस है मेरी थॉट प्रोसेस में, ब्यूरोक्रेट्स को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, इतना रिजिड भी नहीं रहना चाहिए, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल द साइड्स, बी फ्लेक्सिबल। हाँ ठीक, सम स्पीसीज ऑफ द स्नेक्स आर विविपेरस, विविपेरस वर्ड जो विविपेरिटी, एक होता है ओविपेरिटी, ओविपेरिटी ओविपेरिटी होता है एग लेइंग, जो एग देते हैं मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स एग देते हैं, और बट कुछ हैं जो यंग वंस को सीधा देते हैं, एग्जाम्पल बोहा, वाइपर, सी स्नेक, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो विविपेरिटी शो करते हैं, ठीक है जो विविपेरिटी शो करते हैं। तो आपने देखा, तो मैंने एग्जाम्पल भी दे दी 1 2 3 4 5, मेरे को ना भी पता होता तो भी मैं ऑप्शन को ठीक कर देता, ठीक है तो भी मैं ऑप्शन को ठीक कर देता क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मुझे दे रहा है। बट आपने ये सीख लिया, इसको अच्छे से भी देख लेना, जैसे डुगोंग पे भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है, डुगोंग पे भी सवाल पूछा है, टर्टल्स पे पूछता है यूपीएससी, पैरट फिश वगैरह पे नहीं पूछा है, पूछ लेंगे वो, ठीक है तो यूपीएससी का रहता ही है ना कि इस तरह के वो पूछता है, फ्लेक्सिबिलिटी दिए पर आपको, वो भी चाहते हैं कि आपने सब कुछ नहीं पढ़ा है, बट आप एक कॉमन सेंस से क्वेश्चन को कैसे ठीक कर रहे हैं वो मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाइल्ड लाइफ दी और नेचुरली फाउंड इन, कहाँ नेचुरली फाउंड है, कहाँ मिलते हैं नेचुरली, मतलब कोई आर्टिफिशियल उनका वो नहीं, नेचुरली कहाँ मिलते हैं वो हमें देखना है, ठीक है वो हमें देखना है। तो ब्लू फिंड, मैशीर, कावेरी रिवर, ठीक है इरावड़ी डॉल्फिन, चंबल रिवर, रस्टी स्पॉटेड कैट, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब मुझे मान लो इरावड़ी रिवर अगर आपको पता हो लोकेशन, हल्की फुल्की भी आपको लोकेशन पता हो, इरावड़ी म्यांमार में कहीं है, ठीक है साउथ ईस्ट एशिया की रिवर है, ठीक है म्यांमार इरावड़ी, लोकेशन देख लेना, रिवर वगैरह की तो लोकेशन आप पढ़ते ही ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में इतना तो पढ़ना ही होता है, इरावड़ी वहां की, और चंबल कहाँ है,
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यूपी होते हुए जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश यूपी, तो यहां कौन सी डॉल्फिन होगी? इरावड़ी डॉल्फिन। दूसरी डॉल्फिन हो तो मैं मान भी लू, ठीक है, इरावड़ी वाली कहां मिलेगी? तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दू, लोकेशन बेस्ड एलिमिनेट किया, मुझे नहीं पता कि रेस्टेड स्पॉटेड कैट कहां मिलती है, मुझे नहीं पता ब्लू फिंड मैशीर कहां मिलती है, बट इरावड़ी आपको नाम दे रहा है, वो देर मेंशनिंग, दे हैव मेंशनड द नेम, तो आपको चाह रहे हैं कि आप पढ़ो, आप सारी चीजें ना पढ़ के आओ, आप ये देखो कि लोकेशन तो देख लो, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हटा दो यहां, तो आंसर इज वन एंड थ्री, आंसर इज वन एंड थ्री हमारा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक इंफॉर्मेशन क्या मिली इससे, अब आपको क्या मिली कि ब्लू फिंड मैशीर जो जो अपनी मैशीर एक फिश है, फिश है, ठीक है, कहां मिलती है? कावेरी में। एक इंफॉर्मेशन मिल गया आपको, ठीक है, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट से मिल गई, एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को आप अपने नोट्स में ऐड कर लो और उसके बाद कोई भी करंट अफेयर पढ़ो तो ठीक है, कहीं ना कहीं मदद मिलेगी आपको, ठीक है। मैशीर से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है, यूपीएससी ने फिर पूछा है मैशीर क्या है, फिश है क्या है, और यूपीएससी ने ये भी पूछा था ब्लू फिंड मैशीर क्या, यूपीएससी इस बार पूछ लिया ब्लू फिंड मैशीर कहां मिलती है, पर इसने मेंशन नहीं किया कि मैशीर है क्या। चलो फिंड है तो फिंड तो वैसे वो फिंड तो फिश का ही होता है, अगले साल यूपीएससी ने पूछ लिया कि वो फिंड है क्या है, मतलब वो क्या है, फिश है कि रेप्टाइल है, बर्ड है, तो फिश है, ठीक है, तो इस तरह यूपीएससी आपसे पूछता रहता है, देखा, ठीक है, हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन था, सोल्व कर दिया हमने बिना किसी इंफॉर्मेशन के, हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। व्हाई देयर इज अ ग्रेट कंसर्न, देखो देयर इज अ ग्रेट कंसर्न, द वर्ड इज ग्रेट कंसर्न, मतलब लीज्ड इनटू, मतलब मामला बड़ा है छोटा नहीं है, समझो मामला बड़ा है छोटा नहीं है, ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स। आप पढ़ते हैं इसको, ऑप्शंस को पढ़ते हैं, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, ओशियन 71% ऑक्यूपाई करते हैं हमारे पूरे जो अर्थ है, ओशियन 71% है, तो ग्रेट कंसर्न कहीं ना कहीं से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कोई नहीं, हम आगे देखते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, हमने तो सुना नहीं कि बच्चों के स्किन कैंसर हो रहे हैं, आप इंडिया में रहते हो, इतनी खबरें तो आती हैं कि स्किन कैंसर हो गए बच्चों के, कहां सुन लिए, हमने नहीं सुना, आप अपनी सराउंडिंग में देखो बच्चों को कौन सा स्किन कैंसर हो रहा है, नहीं नहीं सुना हमने, ठीक है, क्योंकि बच्चे मतलब देश का इतना बड़ा एस्पेक्ट है, इतनी इंफॉर्मेशन होती, बच्चे मारे गए स्किन कैंसर से, इतने कौन हो रहा है, नहीं, फिर तो ये सबसे बड़ा कॉज ना बन जाता इन्फेंट मोर्टिलिटी का और उसका अंडर 5 मोर्टिलिटी का, हमने तो सुना नहीं, ठीक है। दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय द क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड, अब इरिगेशन कितना होता है कंट्री में, लगभग 50% करीब, टोटली हमारा लैंड बहुत कम इरिगेटेड है, रेन फेड है, मोस्ट ऑफ द एरिया रेन फेड है, और तो इतना ग्रेट कंसर्न कहाँ होगा माइक्रोबीड्स का। फर्टिलाइजर तो हमने सुने थे कि फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हैं, क्योंकि बड़े कॉमन आस्पेक्ट्स हैं ये तो हमने सुने हैं, फर्टिलाइजर माइक्रोबीड्स हमने कभी नहीं सुने, और इरिगेशन कितना है, बहुत थोड़े एरिया इरिगेटेड इंडिया का, रेन फेड है बहुत सारा, ड्राई लैंड फार्मिंग होती है इंडिया में, तो वहां तो रेन फेड है, तो इरिगेटेड तो वैसे भी नहीं, तो ग्रेट कंसर्न तो हो ही नहीं सकता। दे आर ऑफन फाउंड, ऑफन देखो कितनी एक वैसी लूज स्टेटमेंट दे, अरे फूड एडल्ट्रेंट से मिलते हैं ऑफन, नहीं ऑफन मे भी होता तो मान लेता हूं, ठीक है, फूड एडल्ट्रेंट्स में तो इतना वो थोड़े ग्रेट कंसर्न, ठीक है, हो सकता है, पर ऑफन बहुत दे दिया कि अक्सर मिलते हैं ये तो, मतलब हर जगह ही मिल रहे हैं फिर तो, ठीक है। तो ऑप्शन बचा पहला, दे आर हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम, क्योंकि वैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक सॉलिड प्लास्टिकल प्लास्टिक है, प्लास्टिक पार्टिकल लेस देन 1 mm साइज, जिनका साइज 1 mm से कम है, जो बायोडिग्रेड, जो मतलब डिग्रेड नहीं हुए, तो चॉकिंग वगैरह करते हैं, बाय अकुमुलेशन वगैरह करते हैं, ऐड होते जाएंगे भाई, उसे एक पर्टिकुलर मरीन एनिमल खाएगा, फिर उसे ऊपर खाएगा, फूड चेन बनेगी, बाय अकुमुलेट होंगे, डिग्रेड होंगे नहीं, माइक्रोबीट्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, तो मरीन इकोसिस्टम में ही ग्रेट कंसर्न होगा, मरीन इकोसिस्टम के ही सवाल आते हैं यूपीएससी में, ध्यान रखना, कोरल को बता देंगे, कई बार कोरल का सवाल आ जाएगा, कोरल रीफ का सवाल आ जाएगा, ठीक है, आपने पढ़ा था कि मैं सवाल मैंने देखे भी प्रीवियस ईयर, कोरल से रिलेटेड सवाल आ गया, या कोई डेड जोन्स से रिलेटेड सवाल आ गया, क्योंकि मरीन पे बहुत फोकस, 71% है ना हमारा मरीन, तो आप ऐसे पढ़ो इसको, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल, ठीक है, ठीक है, कंसिडर हार्मफुल, ठीक है, बाकी ऑप्शन देखो हमने कैसे एलिमिनेट की, तो आपने क्वेश्चंस को पढ़ो ना, मतलब मुझे नहीं पता माइक्रोबीड्स क्या हैं, अब मैं उसको कैसे एलिमिनेट करूं, अब ये देखो सवाल अब आ जाता है, ठीक है,
ठीक है, अब जैसे कई बार मैं तो ठीक है, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ 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 ले रहा हूँ, काम के ले रहा हूँ, 1 मिनट रुको, मैं 2 क्लासेस में लूंगा। ठीक है, जैसे एक ये सवाल है, इन इंडिया, क्वेश्चन सारे इन्वायरमेंट के ही, ठीक है, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियन, फोरेट, ट्राइएज़ोफोस इज व्यूड विद एप्रीहेंशन, बहुत एक एप्रीहेंशन की नजर से देखते हैं, गलत हिंगी, दीज केमिकल्स आर यूज एज, ठीक है, बस आपको इतना ऑप्शन दिया कि कार्बोफ्राइन दिया, फोरेट दिया, ट्राइजोफोस दिया, और एप्रीहेंशन से हम देखते हैं चीजों को, ठीक है, क्या ही है। चलो तो ठीक है, मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा है तो मैं बता दूंगा, बट आप ऑप्शंस को देखते हैं, बाई डर है, एप्रीहेंशन है, आप पढ़ते हैं, ठीक है, एप्रीहेंशन का मतलब है इसमें अगर देखें तो वो बहुत बड़े ग्रेट कंसर्न, मतलब बहुत लार्ज को इफेक्ट करते होंगे, प्रोसेस फूड हो गया, प्रिजर्वेटिव इन प्रोसेस फूड, ठीक है भाई, कोई कह दे क्या पता हो, पर प्रोसेस फूड कितने लोग खाते हैं, ठीक है, फ्रूट राइपनिंग एजेंट, वैसे तो फ्रूट राइपनिंग एजेंट ये कभी नहीं है, इथाइलिन आपने सुना होगा, जो कॉमन होता है, इथाइलिन होता है, आप बेसिक अगर कहीं भी पढ़ोगे तो फ्रूट राइपनिंग इथाइलिन होता है, वॉशिंग एजेंट्स इन कॉस्मेटिक्स, आपको लगता नहीं कि एग्रीकल्चर सबसे, एग्रीकल्चर में ही, एग्रीकल्चर से ही सारी चीजें निकलती हैं, एग्रीकल्चर से प्रोसेस फूड निकलेगा, एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर निकलेगा, एग्रीकल्चर से क्रॉप निकलेंगी, तो एप्रीहेंशन है, तो ऐसा नहीं कि पेस्टिसाइड्स होंगे एग्रीकल्चर में, कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि उन्हीं में केमिकल ज्यादा यूज होते हैं और वो एब्जॉर्ब भी होते हैं, उनका हम यूज करते हैं, ठीक है, वैसे मुझे पता था जब मैंने अटेम्प्ट किया तो भाई पेस्टिसाइड्स हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप पढ़ते हो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स पढ़ते हो, यूनिक एग्जाम्पल है, बट मेरा एक ही, इन ऑप्शंस में से ज्यादा लोग किससे इफेक्ट हो, क्योंकि पूछने का उसका मकसद ये है, आप समझो मकसद ये है कि ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा होगा ना, जब भी तो सवाल बना हो, अब छोटे लेवल पे कुछ और एक पर्टिकुलर लोकेशन में तो उसको तो क्या ही बताएं, पर बड़ी लोकेशन पे इससे पता लग रहा है, ठीक है, कि हो क्या रहा है ना, तो ऑप्शन को हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई जैसे आपने मरीन इकोसिस्टम को भी डील किया कि बड़ा वही है, बाकी बहुत छोटे लोकल लोकल इफेक्ट हैं, लार्जर इंपैक्ट जिसका होगा वही सवाल बनेगा, ठीक है, तो ये इनको आप नोट कर लो, जैसे कि कार्बोफ्यूरॉन वगैरह वगैरह, और फ्रूट राइपनिंग एजेंट और ये कॉस्मेटिक्स में ये मैं दे दूंगा, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से यूज होते हैं, दिए भी रखें, बेसिक किताबों में मिल जाएंगे वैसे आपको, क्योंकि यूपीएससी पूछ लेगा आपसे कि फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स प्रोसेस फूड में कौन से यूज होते हैं। देखो मेरा तो पढ़ने तरीका यही था कि मैं इन क्वेश्चंस को देखता था, मैं पेस्टिसाइड आके नोट करता था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड हैं, क्या करते हैं, फिर प्रिजर्वेटिव पढ़े मैंने, जब मैं पढ़ता तैयारी करता था कि भाई चलो प्रिजर्वेटिव क्या होता है, अगले साल पूछ ली कौन से कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं, फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स 4-5 होंगे नोट कर लिए, कॉस्मेटिक्स में कौन से यूज, कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कौन से एजेंट्स हैं नोट कर लिए, तो तीनों भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी यूपीएससी पूछ लेगा, शायद फ्रूट राइपनिंग ये पूछ चुका है यूपीएससी ना, ठीक है, तो ये भी एक एस्पेक्ट है। चलो ये पढ़ते हैं, रामसर कन्वेंशन आपने पढ़ी है, देखो आप वेटलैंड पढ़ते हो तो रामसर कन्वेंशन पे सवाल पूछ लिए इन्होंने, वेटलैंड भी नहीं पूछा, रामसर कन्वेंशन, कन्वेंशन है, ईरान में हुई थी, रामसर सिटी था, 1971 1971 2 फेब को वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है, इंडिया में रामसर साइट्स हैं, पहले 75 थी जब तक मैं पढ़ रहा था, अब कुछ और ऐड हो गई, तो पहले 48 थी जब मैं पढ़ता था, फिर 75 हुई, अब कुछ और एडिशन हो गया, वो 100 के करीब कर, मुझे नहीं पता लेटेस्ट डाटा, मुझे नहीं पता, आप देख लेना, ठीक है, इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कन्वेंशन है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी ना माने, और देखो ऑल द वेटलैंड्स, अगर सवाल ये होता कि भाई जो रामसर वेटलैंड्स हैं उन्हीं की प्रोटेक्शन, तो सवाल बनता भी, ऑल द वेटलैंड, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास, मैंडेटरी, जिसमें पैडी फील्ड्स भी होते हैं वेटलैंड्स में, तो पैडी फील्ड्स भी होते हैं, किसान है, सबको प्रोटेक्ट करती फिरेगी सरकार, 27,000 वेटलैंड है, 27,000 वेटलैंड्स हैं इनलैंड और कोस्टल मिला के, ना टाइम है सरकार के पास, ऑल द वेटलैंड्स को करेंगी, और मैंडेटरी कभी ना माननी सरकार, क्योंकि बाहर की कन्वेंशन है, हम अपने हिसाब से चीजों को देखेंगे, ब्रॉड आउटलाइन दे सकते हैं, वो काम खत्म, वो माने ना माने हम अपने एक्ट के अनुसार करेंगे,
उनकी कन्वेंशन के अनुसार हम कुछ भी नहीं करते, हम अपने एक्ट के अनुसार करेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो मान लो कल सवाल आ जाए राम सर पे, तो मैंडेटरी है कल को दोबारा सवाल आ सकता है राम सर पे। राम सर पे आप पे मान लो कोई नोट्स है, आपने राम सर पे बना रखी, तो उसमें ऐड कर लो कि मैंडेटरी नहीं है, काट दो, क्या नहीं है मैंडेटरी, क्या यूपीएससी फिर पूछ लो, आपका टॉपिक तैयार हो गया पूरा। वेटलैंड रूल्स वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन, नहीं नहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं दी थी कन्वेंशन में, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, उसने तो बताया था क्राइटेरिया क्या होगा, देयर वर नो रिकमेंडेशंस कि आप ऐसे करो। 1971 में क्या ही रिकमेंडेशन दे देंगे वो, 1971 में हुई थी क्या ही उनके पास रिकमेंडेशन देने को, कितनी पुरानी बातें, ठीक है। हम जो फ्रेम करते हैं ना रूल अपने एक्ट के तहत करते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब तो वेटलैंड रूल्स 2017 आ चुके हैं, 2010 नहीं है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये बता दिया 17 के रूल आ गई, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हो गया, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ऑल्सो इनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट, ठीक है। ये सेंस बन रही है कि जो रूल्स हैं कंजर्वेशन रूल, वो साइड वाला जो एरिया ना, जैसे मान लो ये वेटलैंड है, इसके आजू बाजू का एरिया उसको भी प्रोटेक्ट करता है, ऑब्वियसली बात है। मान लो यहाँ कोई पॉल्यूशन होगा तो यहाँ भी पॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कैचमेंट एरिया है और ड्रेनेज एरिया है जो सराउंडिंग का है उसका, उसको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सेंस है। प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने जो देखा है तैयारी के दौरान, आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वो आपको बताते हैं क्या है क्या नहीं है, वो नहीं बताते वो, ठीक है। उनको क्वेश्चन खुद पुट करते ही नहीं वो, कि वो खुद क्वेश्चन बनाते नहीं कि भाई वेटलैंड पे है तो आपको पूछ सकते हैं, वो ऐसे सवाल दे देंगे कि कन्वेंशन पे नहीं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैंडेटरी है, नहीं है मैंडेटरी नहीं है, तो आप इस सेंस में देखो क्वेश्चंस को। आप मान लो ये आपका रामसर का पूरा तैयार हो गया, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, तो तीसरा ऑप्शन ठीक है इसमें ना, तीसरा ठीक है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, आपको बहुत मदद करेगा अगले क्वेश्चंस में। लोग कहेंगे सवाल तो आ चुका पर वेटलैंड्स पे आपके पास दो इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, व्हाई नॉट टू पुट दैट इन्फॉर्मेशन इनटू योर नोटबुक्स और बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, क्योंकि यूपीएससी में लिमिटेड ही सवाल है, उनके पास यही है और आंसर यही घुमाएंगे वो आपको, ठीक है। तो ये है ना, तो जो ऑप्शंस होते हैं ना इसमें, जो ऑप्शंस देते हैं उनको तैयार जरूर कर लो। हम राइट, हम मान लो 100 क्वेश्चन किए मैंने, मेरे राइट हुए 50 गलत हो गए, ठीक है, पर जो राइट हुए उसमें और भी ऑप्शन थे। मान लो राइट करने के तो 100 तरीके, मैं क्वेश्चन को ठीक करता हूँ, उसके क्वेश्चन को ठीक करने के 100 तरीके, ये मैंने भाई तुक्का लगा दिया, जुगाड़ कर दिया और वो ठीक हो गया, पर ठीक होने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मैंने पढ़ी नहीं, कि मैंने तो कैन बी मे बी देख के तुक्का लगा दिया, पर आप एक बार इन्फॉर्मेशन तो पढ़ लो, वो इन्फॉर्मेशन को अगर वो ठीक है तो आप नोट डाउन कर लो उसे, वो आपको एक बहुत सॉलिड नोट्स बनेंगे। जैसे मैंने भी बताया ना, फूड प्रिजर्वेटिव है, राइपनिंग एजेंट्स है, वो भी नोट डाउन कर लो, आपका एक सॉलिड तैयार हो जाएगा कि भाई हाँ फ्यूचर के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ ये देखो, अब ये सवाल भी हमें पूरी छूट दे रहे हैं, कैन बी ड्रोन टेक्नोलॉजी, कैन बी द फ्लेक्सिबिलिटी इज इन स्प्रिंग पेस्टिसाइड्स करते हैं, हमें अभी ट्रेनिंग का पार्ट भी हमारा लेके गए थे, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन है, वो लेके गए थे हमें फील्ड्स में, कि वो कैसे ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड स्प्रे में, वाटर स्प्रे में, ठीक है। और तो ये स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ड्रोन का एक यूज हो गया। मान लो आपने ड्रोन के कोई नोट्स बना रखे हैं तो ऐड कर लो, पेस्टिसाइड कर सकते हैं, अगर जब पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं तो फर्टिलाइजर भी स्प्रे कर देंगे, पानी को भी स्प्रे कर देंगे वो, ठीक है। दूसरा सवाल है इंस्पेक्टिंग क्रेटस, बिल्कुल आप ऊपर उड़ाओ ड्रोन को, इंस्पेक्ट तो कर ही देगा, इंस्पेक्ट और क्या कर देगा, फॉरेस्ट फायर है किसी जंगल में उसको इंस्पेक्ट कर देगा वो, ठीक है। लोग तो इनको इंस्पेक्शन और क्या कर देगा, फॉरेस्ट फायर होगा, आपका स्टैंड की क्वालिटी क्या है, क्रॉप स्टैंड आपका कैसा है, इंस्पेक्ट कर देगा, बढ़िया है कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो देख लेगा, इंस्पेक्ट कर देगा मूवमेंट्स को एनिमल्स की, एलिफेंट्स वगैरह की अगर कॉरिडोर क्रॉस करके भाई आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया उनको कर देगा, कोई पोचिंग एक्टिविटी को टैकल करने के लिए हो सकता है, इंस्पेक्शन तो हो ही सकता है, ठीक है। तो ड्रोन कर ही रही है, ठीक है। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम द स्पाउटिंग व्हेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस, आपको पता है व्हेल क्या है, मैमल है, तो सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है उसे, पानी पे सांस लेने की आएगी, पानी छोड़ेगी और लेगी हवा, ऑक्सीजन लेगी, ठीक है। वो जो पानी छोड़, आपका स्पाउटिंग देखना, स्पाउटिंग व्हेल, ये तो बड़ी कॉमन फीचर है व्हेल की, इनकी फैमिली की है,
वो पानी निकाल लेगी पूरा ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेशन है पूरा एक्टिविटी है, फिर इनहेल करेगी एक्सहेल करेगी इनहेल करेगी फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि वेल मैमल है फिश नहीं है कोई लोग दे, वेल मछली तो ठीक है मैमल है, मैमल और इनके अलग फीचर्स हैं, शार्क एक फिश है जो पानी के अंदर ही लेती है ठीक है, वेल को ऊपर आना पड़ता है स्टेप पे तो पानी छोड़ती है, तो उसके सैंपल ले लेंगे वो डीएनए से ऊपर डाउनलोड आओ वो जो भी पानी के ऊपर आएगा उसको ले लो, अब पानी के अंदर ही रहे तो मुश्किल हो जाता है, ऊपर आएगी तो डीएनए एनालिसिस पॉसिबल है स्पाउटिंग से क्योंकि ड्रोन ऊपर उड़ेगा ना, तो ठीक है तीनों ऑप्शन ठीक है क्या दिक्कत है बताओ, तीनों ऑप्शन ठीक है ये होगा ठीक है। अब लोग इसको भी इतना टिपिकल बना देंगे इसको डेप्थ में, ये तो सवाल ठीक है, अब कैन भी दिया था क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके सीखो कैन भी है और फिर इनको पढ़ लो कि सेंस भी बन रही है ठीक है, कैन भी करके देख भी लो सेंस बन रही है। अभी आ जाओ प्लांट सेल एनिमल सेल, बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल है कि प्लांट सेल एनिमल दो ही तो होते हैं, या तो प्लांट होंगे या एनिमल होंगे उनकी सेल होंगी ठीक है, पहले क्या होती है सेल वॉल होती है, फिर अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन ठीक है ना, और अंदर ऑर्गेनल्स होंगे साइटोप्लाज्म होगा न्यूक्लियस होगा माइटोकॉन्ड्रिया सब होंगे क्लोरोप्लास्ट होगा सब कुछ होगा, प्लांट सेल से सेलुलोस वॉल सेल वॉल सेल वॉल ठीक है, वाइल एनिमल सेल्स डोंट है, ये कह रहे हैं एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है ठीक है, आगे करते हैं ठीक है। फिर ये आ गया आपका प्लांट सेल्स डोंट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल्स डू हैव ठीक है, और मैच्योर सेल्स ऑफ प्लांट सेल्स ठीक है मैं बताता हूँ। अब मान लो प्लांट है, प्लांट मूव नहीं करते, प्लांट क्या रहते हैं, प्लांट जो हैं वो क्या हैं, स्टैटिक हैं, जा नहीं सकते चल फिर नहीं सकते, तो सेल वॉल होगी अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में होता है, परमिएबल मेम्ब्रेन है तो सेमी परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में ही होता है, बात है सेल वॉल की। अब प्लांट कहीं जाता नहीं तो उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, मुंह नहीं करता ना सेल वॉल बाहर होगी तो ठीक है सेंस बनता है पहला ठीक है, एनिमल्स को कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही एवोल्यूशन हुआ ना, एनिमल तो चलते फिरते हैं वो तो भाग जाएंगे कहीं, मान लो ऐसे सोचो आप ना, तो सेल वॉल प्रोटेक्शन है क्योंकि स्टैटिक है वो खड़ा है वो, प्लांट सेल्स डोंट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, बाहर सेल वॉल होती है और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बाहर सेल वॉल है अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मैंने पढ़ाई भी है जो प्रीवियस कोर्सेज हैं जो मैंने 150 कोर्सेज हैं सेल वॉल बढ़िया डिस्कस किए। मैच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल है प्लांट सेल्स के पास क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते, मूव नहीं करते तो उनको स्टोरेज के लिए चाहिए, स्टोर करता है वाटर को और उसको खाने को, स्टोरेज ऑर्गन सकते हैं स्टोर करते हैं, वैक्यूल वैक्यूल में स्टोर होता है सब कुछ, तो प्लांट मूव नहीं करते, जब मूव नहीं करेगा तो मान लो वहां चलते फिरते तो है नहीं, मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए उनको स्टोर करना पड़ जाए ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन आ जाए एनिमल तो चले जाएंगे, उनको लार्ज वैक्यूल की आवश्यकता नहीं है ठीक है, लार्ज वैक्यूल सेंस बनती है प्लांट की, देखो सेंस बन रही है प्लांट मूव नहीं करते, देखिए सारी सेंस मुंह से है, एनिमल्स कैन मूव प्लांट्स कांट ठीक है, कांट मूव तो कांट नहीं कर सकते तो सेल वॉल होगी, सेल वॉल होगी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होगी और लार्ज वैक्यूल भी होगा स्टोरेज के लिए, क्योंकि क्या पता कर लो कैसे कंडीशन आज ज्यादा इकट्ठा कर लो, तो अगर आप इन ऑप्शन को ठीक पढ़ लो ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है बेसिक फीचर है, अगर आप इन ऑप्शन को ठीक पढ़ लो ना तो आपको एनिमल सेल प्लांट सेल दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर आप ये पढ़ लो ना कि प्लांट मूव नहीं करते वो करते हैं तो ये दो फीचर्स हैं, इससे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जो ढग्गा सवाल आएगा ठीक है, तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने आंसर खुद ही दे रखे हैं, तो दूसरा ऑप्शन गलत कर देंगे हम डोंट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आंसर क्या हो गया 1 और 3, 1 और 3 ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये मैं करवाऊंगा, ये मैं अगले राउंड में करवाऊंगा, ये पेटेंट एक्ट आ गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया ना, क्वेश्चन निकालता हूँ काम के ना, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया, इसमें FRA एक्ट हो गया ठीक है, ये सारे ना, तो यार अब इस पे आओ, ये मैं अगले राउंड में करवाऊंगा जितने भी एक्ट्स हैं कि इन एक्ट को कैसे सोल्व करना है, एक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाए तो। अब इंडियन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड देखो ये क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है,
ठीक है, ये कह रहा है कि फ्रॉग माउथ ये है, ये क्या है? देखो इसे नाम दे दिए, फ्रॉग माउथ, बारबेट, व्हाइट सॉटेड, रेड स्टार्ट, ग्रे चिन, मिनीवेट। मैं तुम्हें बताता हूँ, बर्ड्स का जो नॉमन क्लेचर होता है ना, बर्ड्स के जो नाम होते हैं, जैसे हम पढ़ते भी हैं, हम बर्ड वॉचिंग जिसे करते हैं, बर्ड वॉचिंग हमारी एक एक्टिविटी भी होती है, वीकेंड्स पे हमें लेके जाते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, वो दिखाते हैं हमें, क्योंकि बहुत अच्छी एक हॉबी भी है। ठीक है, तो फोटोग्राफी करते हैं, तो उस सेंस में ना हमें ऐसे नाम बताए जाते हैं। मैं बताता हूँ बर्ड्स के कैसे नाम होंगे। अब बर्ड है एक, एक उस बर्ड की बिल होती है, बिल जिसे आप चोंच कहते हैं, बिल्ड होंगे, लॉन्ग बिल्ड, नाम देखना ऐसा आ जाए, लॉन्ग बिल्ड वल्चर। ठीक है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ठीक है, बिल्ड, थ्रोट, बहुत एक कॉमन आइडेंटिफाइंग फीचर है थ्रोट, जैसे व्हाइट थ्रोटेड, इसका क्या है, ये ऐसा पक्षी है जिसका व्हाइट थ्रोट है, यहां से थ्रोट जो है व्हाइट है। ठीक है, कईयों बार आ जाएगा आपका रेड ब्रेस्टेड, रेड ब्रेस्टेड बर्ड, थ्रोट से नीचे ब्रेस्टेड, नीचे रेड है, थ्रोट के नीचे थ्रोट मान लो कुछ है कलर का, या आप जो नीचे वाला हिस्सा है उसका आपने वो कह दिया कि वो रेड ब्रेस्टेड है, आपने ये बता दिया। ठीक है, और इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको, एक इंफॉर्मेशन मिल जाए ना, पाइड, PIED, पाइड, जैसे कल हम पढ़ रहे थे ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, पाइड, पाइड का मतलब होता है दो कलर का बर्ड है, टू पैचेस, मोर देन, एटलीस्ट मोर देन टू कलर्स, मोर देन टू कलर्स, पाइड का मतलब है दो कलर से ज्यादा बर्ड है, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। एक बड़ा कॉमन वर्ड होता है मैगपाई, यूपीएससी पूछ ले मैगपाई क्या है, मैगपाई भी एक ऐसा बर्ड है जिसमें जिसके ब्लैक और व्हाइट फेदर्स हैं, कोई भी बर्ड हो इसके ब्लैक और व्हाइट फेदर्स हो और लॉन्ग टेल हो, उनको मैगपाई बोल देते हैं, जिसको बर्ड बर्ड्स की थोड़ी हॉबी है ना, यही नाम होते हैं, व्हाइट थ्रोटेड, रेड ब्रेस्टेड, लॉन्ग बिल्ड, ओरिएंटल पाइड, ना जैसे नाम होते हैं ना ये। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा ये हो गया ना, फोक टेल, एक वर्ड फोक टेल, फोक टेल बर्ड, फोक की तरह टेल दो है, ऐसे टेल ऐसे है, फोक टेल ऐसे है। तो नॉमन क्लेचर में कैसे ऐसे नाम दिए जाते हैं कि कोई बर्ड उसकी फोक टेल है, ठीक है वो बता दिया, व्हाइट थ्रोटेड बर्ड हो गया, लॉन्ग बिल्ड हो गया, और मैगपाई हो गया, मैगपाई मतलब व्हाइट और ब्लैक कलर का हो गया उसके फेदर्स, आप गूगल करना, और लॉन्ग टेल होगी। ठीक है, तो ये बर्ड्स की नॉमन क्लेचर ही ऐसे होती है। ठीक है, तो कल को कुछ और आ जाए ना, पाइड आ जाए, रेड ब्रेस्टेड आ जाए, फोक टेल आ जाए, मैगपाई आ जाए, तो ये भी बर्ड्स ही हैं। कि जनरली लोग बर्ड्स को ही देखने जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अब रेप्टाइल्स को कौन देखेगा, रेप्टाइल्स को चलो देखने जा रहे हैं, पर जनरली हॉबी तो बर्ड वॉचिंग ही है, ये तो हॉबी मैंने सुनी नहीं, चलो होगी कि रेप्टाइल्स को देखना हॉबी है उसकी, कहाँ देखोगे रेप्टाइल्स, वैसे नहीं दिखते, समझ रहे हो, ऐसी हॉबी कहाँ, कौन ही देखे, रेप्टाइल दिखते ही नहीं, अंदर रहते हैं वो, कोल्ड ब्लडेड है, दिखते ही नहीं आपको, छिपे रहते हैं, कैमोफ्लेज होते हैं। रेप्टाइल को तो मैं देखने, यहाँ देहरादून जू है वहां मैं चला गया था पीछे से देखने, तो रेप्टाइल का बना रखा उन्होंने, दिल्ली जू में भी रेप्टाइल्स का है, वो एक उनका पर्टिकुलर, मान लो एक पर्टिकुलर बना रखा है, एक ग्लास का स्ट्रक्चर होता है, अंदर रेप्टाइल है, उसको एक आर्टिफिशियल से कंडीशन क्रिएट कर दी, नाजा नाजा को देख रहा था मैं, नाजा नाजा मतलब कोबरा, इंडियन कोबरा, स्पिटिंग कोबरा, नाजा नाजा नाम है उसका टेक्निकल नेम, बोटेनिकल नेम, वो मुझे दिखा नहीं, इतना तगड़ा कैमोफ्लेज होता है उनका, वो दिखाई नहीं, मतलब एक साफ दिख रहा है सब कुछ, शीशे का ग्लास है, अंदर वो है, दिखाई नहीं, तो रेप्टाइल्स को देखना बहुत ही मुश्किल है, दिखाई नहीं मुझे, वाइपर था, वाइपर मुझे नहीं दिखा, पाइथन दिख गया क्योंकि वो इतना बड़ा है, दिख जाता है, पाइथन था तो दिख गया था, देखना बड़ा मुश्किल है इनको, बहुत ही ज्यादा कैमोफ्लेज करते हैं रेप्टाइल्स में। इगुआना था, इगुआना मुझे नहीं दिखा, पर छोटा सा कहीं बैठा दिखा, तो ये हो जाते हैं रेप्टाइल्स की दिक्कत ही है। तो जनरली सवाल बर्ड्स के पूछेंगे वो। ठीक है, अब ये सवाल देखो मैं करा चुका हूं आपको, सब स्पीसी ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर, मैंने बताया तीन है, वेस्टर्न नेपाल वाली है, एक ईस्टर्न है जो काजीरंगा वाली है असम में, एक मैंने बताया था आपको सदर्न जो आपकी मध्य प्रदेश वाली है, कान्हा नेशनल पार्क, हार्ड ग्राउंड, डक्कन प्लेट्यू, पूरा प्लेट्यू है वहां, प्लेट्यू के ऊपर है वो। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, देखो सवाल पूछा नहीं, पैसे नहीं ऐसे पूछते हैं वो, जो भी अलग से दिख रहा है, बारहसिंगा,
डियर है ये, डियर तीन वैरायटी है, तीन सब स्पीसी, देखो पूछा सवाल, सब स्पीसी ऑफ, ठीक है। और याद रखना कुछ भी आपको टेढ़ा मेढ़ा पूछ लेना, आपको नहीं पता कोई स्पीसी है कहाँ पाई जाएगी, याद रखना मध्य प्रदेश में पक्का मिलेगी, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, सब मिलते हैं वहाँ सब स्पीसी, कुछ भी जो टाइगर लेपर्ड सब मिलता है वहाँ। अब तो चीता भी इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने कुन्नो पालपुर में, तो कान्हा नेशनल पार्क में, मनस तो वहां है असम में, ठीक है। हार्ड ग्राउंड देखो, ट्राइब जोन हार्ड ग्राउंड, मैंने बताया था ना हार्ड ग्राउंड है मध्य प्रदेश में, बाकी जगह तराई एरिया है, असम में भी तराई एरिया है, नेपाल में भी तराई एरिया, हार्ड ग्राउंड नहीं। हार्ड ग्राउंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, मैंने बताया था कल आपको, पढ़ा रहे थे परसों मतलब पढ़ाया, तो ये हो गया। अब आ जाए इसको करते हैं, अच्छा सवाल। अब अच्छा क्या ये सवाल, ये बड़ा कॉमन सेंस का है, ऐसे एनजीओ पूछ लेते हैं वो ना यूपीएससी वाले ना, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है? अब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फिर आएगा सवाल, तो एटलीस्ट आप इसको जो ऑप्शन यूपीएससी दिए इनको तो आप नोट डाउन कर लो, फिर आएगा सवाल कभी किसी और फॉर्म में आएगा। इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ, ठीक है इंटरनेशनल, नाम ही इंटरनेशनल है, गवर्नमेंटल तो कुछ लिखा नहीं, नहीं तो लिखा होता है इंटर गवर्नमेंटल, तो गवर्नमेंटली एनजीओ है, क्या है एनजीओ, ठीक है ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं, इट आइडेंटिफाई साइट्स नॉन रेफर्ड इंपोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है बर्ड से रिलेटेड है तो हो सकता है, देखो हो सकता है, अब मेरे को ऑप्शन लगाना है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल बर्ड से रिलेटेड है, एटलीस्ट साइट तो पहले आइडेंटिफाई करो, फिर ही तो प्रोटेक्ट करोगे। मान लो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए पहले तो चाहिए लोकेशन क्या है, उसकी रहता कहाँ है, उस एरिया को प्रोटेक्ट करोगे, वो एरिया बताओगे गवर्नमेंट्स को, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को, कि दीज आर द एरियाज जो इसका पर्टिकुलर एरिया है इस बर्ड का, आइडेंटिफाई तो करो पहले साइट, साइट तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, वो ये कर देते होंगे तो ऑप्शन। दूसरा पढ़ो, कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस, अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दिमाग लगाओ, चलो छोड़ो, वैसे तो सबको पता है नॉर्मन मेयर ने दिया था, नॉर्मन मेयर 1988 में उसने कॉन्सेप्ट दिया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। अब दिमाग लगाओ, बर्ड्स क्या है, बर्ड एक चीज है, हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आपका सब कुछ है, फ्लोरा है फोना है, आपका सब कुछ है, फ्लोरा फोना सब कुछ है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, आप समझ रहे हैं? तो मतलब ये कॉन्सेप्ट कहां से देंगे वो, मतलब सब कुछ है फोना फ्लोरा, मतलब वो तो बहुत ही हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, बर्ड लाइफ तो बर्ड से रिलेटेड बात कर लेगी, समझ रहे हो, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड बात करेगी बर्ड से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में तो फ्लोरा फोना, फोना में आपके सब आ गए, मेगा कार्निवोर मेगा हर्बीवोर, आपके रेप्टाइल्स एम्फीबियन सब आ गए, आपके फोना फ्लोरा में आपके सब आ गए, शर्ब्स हर्ब्स ट्रीज फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये तो वैसे भी गलत होगा, ये क्यों ओरिजिनेट करेंगी, ठीक है नॉर्मन मेयर का था उसने ओरिजिनेट किया था, तो दूसरा गलत है, पहला तीसरा ठीक है। अब पहला तीसरा ठीक है, पहली एनजीओ है, दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट साइट को आइडेंटिफाई करते हैं, ये अब आपको इन्फॉर्मेशन पता ही हो, ये मान के चल रहा हूं कि यूपीएससी ने आपको दो आंसर दे दिए फ्यूचर के लिए, कि एक तो एनजीओ है और एक इंपॉर्टेंट साइट एरिया ढूंढती है, दो तो आंसर ही, तीसरा कोई करंट कुरंट में आ जाए वो पढ़ लो आप, ठीक है तो आंसर होगा 1/3, ठीक है 1/3, ठीक है। फॉलोइंग इज ए टीक, टीक साल टीक तो फेवरेट है इनकी, साल टीक सभी के फेवरेट है, साल और टीक ना, जैसे हमारी क्लासरूम होती है वहां फॉरेस्ट में, तो क्लासरूम के नाम, दो क्लासरूम है मान लो हमारी, तो उनके नाम भी ऐसे ही है, शोरिया रोबस्टा, शोरिया रोबस्टा क्या है साल, रोबस्टा, रोबस्टा का मतलब समझते हो, बहुत रोबस्ट है, साल पे कहावत होती है, 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा 100 साल सड़ा, 100 साल तक खड़ा रहता है साल का पेड़, मतलब कहावत है 100 साल पड़ा, ठीक है, और 100 साल पड़ा मतलब फर्नीचर, पड़ा मतलब गिरा के जो का फर्नीचर बनाएंगे, 100 साल तक चलता है रोबस्टा, नाम से पता लग रहा है, और 100 साल सड़ा, अगर साल का पेड़ गिर गया तो उसे सड़ने में 100 साल लग जाएंगे, रोबस्टा नाम से ही, नॉमन क्लेचर नाम से ही होती है। और दूसरा जो हमारा क्लासरूम है वो टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस, ग्रैंडिस पत्ते बहुत बड़े होते हैं टीक के, ग्रैंडिस ग्रैंड वहां से वर्ड आया, ग्रैंडिस पत्ते बहुत बड़े हैं, तो नाम में छिपी होती है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है
तो दो ही क्लासरूम है जिसमें हम बैठते हैं, तो नाम ही टेक्टोना ग्रैंडिस क्या होता है, टीक चोरी रोबस्टा क्या है साल, ठीक है यही पूछते हैं यूपीएससी घूम फिर के। टीक है डोमिनेंट ट्री, क्योंकि डोमिनेंट है टीक, साल ही तो है मीन। अगर आप फॉरेस्ट कवर देखोगे, फॉरेस्ट में इंडिविजुअल स्पीसीज देखोगे तो टीक साल सबसे ऊपर मिलेंगे आपको, कि सबसे ज्यादा पेड़ किसके हैं, टीक के ऐसे मिलेंगे। टीक आपका सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, मध्य प्रदेश से नीचे जो भी है ना टीक है, ठीक है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश टीक है नीचे, ऊपर साल है, ऊपर साल है, समझ रहे हो आप। अगर कंट्री का मैप बनाऊं मैं इंडिया का, तो अगर ऐसे मैप बनाऊं ना मैं आपका, यहां तक साल है, मान लो ऊपर ऊपर साल होगा मान लो, नीचे टीक है, ठीक है ये डिवाइडिंग लाइन होती है, डिवाइडिंग लाइन है, ठीक है डिवाइडिंग लाइन है नीचे ना। वैसे ऊपर, वैसे तो अगर हम देखेंगे देहरादून में टीक लगा रखे हैं, FRI कैंपस में टीक है, पर वो डोमिनेंट नहीं है ना, वहां वैसे लगा दी प्लांटेशन और नेचुरल थोड़ी है वो। साल डोमिनेंट है नॉर्थ में, साल डोमिनेंट है साउथ में, मतलब मिड से टीक डोमिनेंट है। रेन फॉरेस्ट तो है नहीं, ऑब्वियसली बात है, पत्ते झड़ते हैं टीक के, पत्ते पत्ते कहाँ हैं, रेन फॉरेस्ट के नाम ही नहीं सुने। स्क्रब फॉरेस्ट नहीं है, ग्रासलैंड नहीं, डोमिनेंट ट्री मध्य प्रदेश याद रखो, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये, मॉइस्ट डेसिडुअस। लोकेशन पता हो आपको ना, टीक मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टीक साल, बड़े पत्ते होते हैं ग्रैंडिस, नाम से पता लग रहा है ना, टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है ऑप्शन एलिमेंट हो जाते हैं जनरली। और जनरली भी तो क्या ही है, मॉइस्ट डेसिडुअस बहुत ज्यादा नहीं इंडिया में, सबसे ज्यादा तो यही फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट जो सबसे ज्यादा है इंडिया में, ठीक है तो यही ऑप्शन मारोगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो साउथ वेस्टर्न घाट्स उसमें है, वो हमने पढ़ी नहीं, महागोनी इबोनी ये पढ़ी होंगे अपने रेन फॉरेस्ट को। स्क्रब फॉरेस्ट में नहीं, थोन स्क्रब फॉरेस्ट, थोन फॉरेस्ट में आप नहीं पढ़ी होंगे, अकेशिया क्या पढ़ा हो, अकेशिया ये पढ़ी होंगे आपने, अकेशिया के हो गए किक्कर वगैरह, किक्कर टाइप ग्रासलैंड्स, टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रास, तो शोला ग्रासलैंड्स की बात करानी है, तो मॉइस्ट डेसिडुअस ही फॉरेस्ट है, ठीक है ठीक। और इस पे कॉमन सवाल बनते हैं, देख लेता हूँ कोई और एक दो सवाल इस तरह के हों। अच्छे दोबारा आया स्क्रीनशॉट में, बायोचार ठीक है, कसावा हो गया, तीन चार सवाल देख लेता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है देख लेता हूँ, ठीक है तीन चार सवाल और लेते हैं यार, करते हैं इसको सेशन को। अब जैसे कि ठीक है, अब बायोचार कैन बी यूज एज पार्ट ऑफ द, अब बायोचार क्या है, देखो मुझे नहीं पता क्या है बायोचार, मान लो मुझे नहीं पता बायोचार क्या है, कुछ चारकोल टाइप होगा, चारकोल टाइप होगा कुछ इस तरह कह रहे हैं बायोचार ना, कोई आपने रेजिड्यू को बर्न किया होगा, कोई भी बायोमास रेजिड्यू को बर्न किया होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो चारकोल टाइप बन जाएगा वो, ठीक है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो चाहिए ना, बायो है वो, बायो वर्ड बायो है, नाम देखो तो कुछ बढ़िया ही होगा, कैन बी यूज्ड, फ्लेक्सिबिलिटी है बिल्कुल कर सकते हैं, कल को कर दिया फिर कहाँ जाओगे, कल को यूज कर दिया वर्टिकल फार्मिंग फिर कहाँ जाओगे, फिर कह दोगे नहीं, ठीक है तो फ्लेक्सिबल रहो, यूपीएससी करो सवाल। इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोफिक्स, मुझे नहीं पता क्या है पर मेरे को पता है बायो से रिलेटेड कुछ है, बायो से रिलेटेड कुछ है तो पॉजिटिव ही इंपैक्ट होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिकल तो नहीं है ना कम से कम, या कुछ केमिकल्स होते तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होते जैसे पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स, कुछ बायो है तो कुछ फायदा ही होगा, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है तीसरा क्या कह रहा है, पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इनेबल्स द ग्रोथ इन द मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, ऑब्वियसली बात है फॉरेस्ट होता है काफी, तो कुछ पॉजिटिव ही होगा कि वाटर, वाटर का लॉस भी कम हो, रिटेंशन ज्यादा रहेगा क्योंकि पानी एक क्राइसिस है, तो सारी चीज पॉजिटिव है, सोइल को भी बढ़िया कर दिया है ना, देखो सोइल को बढ़िया कर दिया, वाटर को बढ़िया कर दिया। अब ये बायोचार आपके लिए बहुत अच्छा बनना चाहिए ऑप्शन, कि बायोचार को आप पढ़ो, जैसे अब तो हमने सोल्व कर दिया अपनी बेसिक फंक्शनल नॉलेज से, हमने सोल्व कर दिया कि बायोचार कैन बी यूज्ड और कुछ पॉजिटिव चीज है, बायो से रिलेटेड है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फायदा करेगा और बायो से रिलेटेड पानी को भी स्टोर रिटेन करते हैं, ठीक है सोइल की प्रॉपर्टी इंप्रूव होगी, वाटर भी रिटेंशन बढ़िया रहेगा, अगर सोइल की प्रॉपर्टी इंप्रूव हो रही है तो वाटर भी बढ़िया रिटेंशन रहेगा, तो ये आपका एज ए नोट्स बनने चाहिए,
कि हाँ बायोचार से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपको मिलगी, आप फ्यूचर में कभी भी यूज होगा लिख देंगे। और बायोचार आप मेंस में भी यूज कर सकते हो कि भाई सोइल इंप्रूवमेंट के लिए, वाटर रिटेंशन के लिए कैन बी यूज। तो यूपीएससी के ऑप्शन सारे बहुत बढ़िया हैं यार, सारे बहुत बढ़िया हैं, आप इनको यूज करो तो तीनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, और कोई चीज देखा करो ऐसे ना कि भाई ऑप्शन कोई नई चीज आई है उससे एटलीस्ट सोयल को वाटर को तो फायदा ही होगा, कि सोयल वाटर एक मेन आस्पेक्ट है, सोयल से बड़ा कुछ नहीं, सोयल से सारी चीजें होती है। ठीक है, तो एटलीस्ट सोयल को तो फायदा होगा ही होगा, सोयल वाटर को, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन दिखे ना तो लगा दो। ठीक है, आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है उसमें किस किस को यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज, कैन बी। अब आपको ये पता होना चाहिए बायोफ्यूल के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, जब तक आपको ये नहीं पता ना तो दिक्कत है। ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए शुगर बेस्ड प्रोडक्ट हो, जैसे शुगर केन बगास, शुगर बीट, शुगर हो, क्राइटेरिया बता रहा हूं मैं तुम्हें बायोफ्यूल का, स्टार्च हो से कसावा कॉर्न, क्योंकि शुगर से ही फिर इथेनॉल बनेगा ना, बायो इथेनॉल, ठीक है ना, शुगर से ही बनेगा वो। स्टार्च, स्टार्च को तुम शुगर में करोगे, फर्मेंटेड शुगर में, और स्टार्च से शुगर, शुगर से फिर इथेनॉल, तो शुगर बेस्ड होंगे, स्टार्च बेस्ड होंगे, और ऐसे होंगे जो अनफिट फॉर कंजप्शन है। अब अनफिट फॉर कंजप्शन कुछ ऐसे चीजें जो अनफिट फॉर कंजप्शन है, अदरवाइज तो देखो हम वो नहीं पढ़ते आप 1G फ्यूल, 2G फ्यूल, 3G फ्यूल, हमारा फोकस यही रहता है कि वो ह्यूमन उसे कंज्यूम ना करें, क्योंकि अगर ह्यूमन कंज्यूम करेंगे और आप बायोफ्यूल में डालने लगे तो इतनी प्रोडक्शन कहां से करोगे, तो अनफिट फॉर कंजप्शन। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, 2 और 5 पक्का होगा, डैमेज व्हीट ग्रेन और रोटन पोटेटो, कौन खाएगा इनको, कोई नहीं खाएगा। तो पहले तो हम देखेंगे कि अनफिट वाले को तो यूज करेगी सरकार, रिसाइकलिंग तो करेगी करेगी। 2 और 5 देखो किसमें ऑप्शन है, 2 और 5 किसमें ऑप्शन है, इसमें नहीं है, मतलब एटलीस्ट हमारा एक ऑप्शन कट हुआ, एटलीस्ट हमारा एक ऑप्शन कट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं क्राइटेरिया। अब ग्राउंडनट सीड्स, ग्राउंडनट सीड्स एडिबल हैं, पहली बात एडिबल है ही, ग्राउंडनट सीड्स एडिबल ऑयल है ये, एडिबल ये नहीं करेंगे, नॉन एडिबल का यूज करेंगे। तो ग्राउंडनट सीड्स, ग्राउंडनट सीड्स तो आप खाते ही हो, एडिबल हैं, इनका यूज थोड़ी करेंगे, काट दो। ठीक है, ग्राउंडनट सीड्स से तेल भी निकलता है, वो भी एडिबल ऑयल होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हटा दो, तीसरा हटा दो, कहां है तीसरा, हट गया तीसरा, तीसरा तीसरा आंसर बच गया ये। ठीक है, बस मैंने बता दिया कि एडिबल ना हो, एडिबल ना हो पहली बात, एडिबल ना हो पहली बात, और अनफिट फॉर कंजप्शन हो, ऑब्वियस ही बात है, दो ही क्राइटेरिया है। देखो ये तो मैंने जो लिखा अभी, स्टार्च है, शुगर है, ये तो इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया आपकी, कि जो सरकार ने क्राइटेरिया कर रखी है, स्टार्च बेस्ड हो, शुगर बेस्ड हो और अनफिट फॉर कंजप्शन। मैं आपको बस दो कह रहा हूं कि सरकार कोई भी फैसला लेगी वैसे लेगी अनफिट फॉर कंजप्शन और एडिबल ना हो, तो ऑप्शन से लिमिट हो रहा है, रोटन कौन खाएगा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स कौन खाएगा, और ग्राउंडनट सीड्स आपको पता है ग्राउंडनट मूंगफली है, खाते हैं लोग, एडिबल है, तो हटा दो इसको। ठीक है, तो उससे भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अभी आ गया, आप देखो कितना सीधा सवाल पूछा आपसे, मस्क डियर, मस्क, मस्क होता है इसमें, मस्क ग्लैंड होता है, मस्क ग्लैंड। ठीक है, वो अंदर होता है शरीर के, बॉडी के अंदर होता है, बाहर नहीं है, मस्क ग्लैंड, पोचिंग होती है इसकी, इसी के लिए, मस्क के लिए, मस्क की कीमत बहुत ज्यादा है, बता रहा था हमें कि 1 ग्राम मस्क 30 ग्राम सोने के बराबर होती है, बहुत ज्यादा कीमत है, इसलिए इसकी मारे गए, फिर अब प्रोटेक्शन में लेके आए, डचीगम नेशनल पार्क भी है ना, ये है, तो बड़ी दिक्कत है, कई बार ये भी गड़बड़ होती है, सबसे बड़ी पोचिंग में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, वैल्यूएशन, लोग बता देते हैं, सरकारी तंत्र कोई बता देगा कि इसकी तो इतनी वैल्यू है, वैसे बता रहा हूँ आपको, कभी भी वैल्यू मत बताओ, अब पोचर तो वो जो है वो गाँव, वो तुमको तो कुछ पता नहीं, अब आपने उसकी वैल्यू बता दी कि भाई इसकी 1 ग्राम की कीमत इतनी है, कुछ भी आप ऐसे कुछ बता रहे हो, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो इस तरह की, इसका तो ये, तो पोचिंग एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है, तो पोचिंग एक्टिविटी रोकने के लिए सबसे बड़ा होता है आप वैल्यू मत बताओ, आप वैल्यू बता दो कि इसकी तो ये कीमत है मार्केट में, कुछ भी ऐसा है ब्लैक मार्केट में,
तो वो बढ़ावा देता है, तो गाइडलाइंस भी है कि वैल्यू कभी मत बताओ, ठीक है। तो ये हो गया इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अमस्नीर ऊपर होता है, याद रखना ऊपर है, हाई अल्पाइन्स, हिमालयस में है, हाई हिमालयस में, हिमालयस हायर अप, अल्पाइन ऊपर, ऊपर मिलते हैं, इतना बता दिया मेरे को पता, ऊपर मिलते हैं। अब देखो डियर का मैंने आपको बताया कल, एंटलर्स होते हैं, बताई थी मैंने कल परसों क्लास में, एंटलर्स होते हैं जो 12 सिंगा ब्रांच्ड होंगे, हर साल टूटेंगे, इसके एंटलर नहीं होते, देखो एक्सेप्शन है, एंटलर इसके नहीं होते, इसे क्या होते हैं, कैनाइंस होते हैं, आप इसके फेस देखना कैनाइंस होंगे, दांत होते हैं टस्क टाइप, हाथी के नहीं होते, छोटे होते हैं टस्क टाइप, ठीक है, टस्क दो दांत कैनाइंस होंगे, ऐसे देखना आप इसकी अपर उस पे, मतलब इसे गूगल करना देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और तो अब आ जाओ ऊपर देखते हैं इसको कहां है। अब मनस नेशनल पार्क कहां है, मैंने बता दिया हिमालयस में, हिमालयस मतलब भाई जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यही तो हिमालय है। अब इंडिया की तुम बेल्ट देखोगे, यही तो है ये वाला एरिया, ठीक है ऊपर वाला। अब मनस कहां है, असम, असम तो प्लेन एरिया है, प्लेन है लगभग, प्लेन है असम, बढ़िया प्लेन एरिया है, तो मनस तो नहीं होगा, जब मैंने बता दिया हाई हिमालय हाई अल्पाइन्स में, मनस किसको लोके, इसलिए मैं कह रहा हूं लोकेशन तो रट जाओ, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है, किशनपुर कहां है, यूपी, पीलीभीत के वहां, यूपी, यूपी प्लेन एरिया है, वहां कहां होगा, तो तीसरा चौथा ऑप्शन काट दो, नहीं होगा प्लेन एरिया, जब मैंने बताई थी अब मिलता ही ऊपर है आपको क्वेश्चन, वो ऐसे ही देगा अगले साल भी ऐसे ही देगा, आप लोकेशन देखो उसकी मिलता कहां है, वो ऊपर मिलता है, फिर आप देखो चार ऑप्शन दिए हैं कौन से प्लेन वाले हैं उनको हटा दो और फिर ऑप्शन लगा दो। तो मैंने तीसरा चौथा हटा दिया, मान लो तीसरा चौथा हटा दिया, तीसरा चौथा हटा दिया, ऑप्शन इज 1 and 2, ठीक है ऑप्शन इज 1 and 2, ठीक है। स्कॉट वाइल्ड लाइफ, एस्कॉट मस्क, इसे नाम पूरा नहीं दिया, एस्कॉट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम ही इसका ये है एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मस्क डियर की गंगोत्री, उत्तराखंड में दोनों, उत्तराखंड में दोनों। तो मैंने जब इसी से एलिमिनेट हो रहे थे ऑप्शन, ठीक है, तो मस्क डियर के बारे में बता दिया, मस्क लैंड के बारे में और ये बता दिया मैंने, अंदर होता है वो, ठीक है, और कैनाइंस होते हैं, एंटलर्स नहीं होते, देख लेना। ये हो गया, इस पे आ जाओ एक बार, एक ये सवाल और नहीं देता हूँ मैं, फिर से करते हैं, ठीक है। फर्टिकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ फर्टिकेशन इन एग्रीकल्चर। अब देखो, अब फर्टिकेशन नाम से है फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, मतलब इरिगेशन के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया आपने, आजकल तो इंटीग्रेशन की बात है, फर्टिकेशन, ठीक है, आपने इंटीग्रेट कर दिया फर्टिलाइजर और इरिगेशन, तो कोई बढ़िया चीज होगी ना, अच्छी चीज होगी, वो पॉजिटिव आस्पेक्ट, एडवांटेजेस पूछ रहा है वो, ठीक है, कोई अच्छी बात होगी, कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ द इरिगेशन, ठीक है, इज पॉसिबल, ठीक है, पॉजिटिव आस्पेक्ट है, ठीक है, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट और ऑल अदर, देखो ऑल अदर एक्सट्रीम स्टेटमेंट, क्या पता ना हो फिर क्या करोगे, इज पॉसिबल, पॉसिबल है, इज पॉसिबल, रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ द केमिकल इज पॉसिबल, यस पॉसिबल है, हो सकती है, ये पॉजिटिव आस्पेक्ट हैं सारे, रिडक्शन इन लीचिंग केमिकल का पॉसिबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पॉसिबल है, बढ़ेगी, एल्कलिनिटी ठीक करेगा, तो तीन ऑप्शन ठीक है, ये गलत है, ऑल अदर फॉस्फेट्स नहीं। तो फर्टिकेशन पे कभी सवाल आ जाए यूपीएससी फिर पूछ ले, तो एटलीस्ट एल्कलिनिटी को रिड्यूस करता है, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा मिलेगा, पॉजिटिव आस्पेक्ट है, और लीचिंग कम होगी, केमिकल लीचिंग हो जाएगी तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी होगा और न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं आप, तो ये तीन ऑप्शन आपके मेंस में भी यूज कर सकते हो आप, कि भाई फर्टिकेशन यूज करो, एल्कलिनिटी कम होगी, दूसरा पॉइंट होगा न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, पॉजिटिव आस्पेक्ट है, पॉजिटिव आस्पेक्ट हमेशा आंसर में होगा, फर्टिकेशन अन्यथा सरकार लेके क्यों आती है, फर्टिकेशन का कॉन्सेप्ट ही क्यों आता है, ठीक है, ये ऑल करके मैंने हटा दिया, तो दूसरा ऑप्शन हटा दो जिसमें ऑल है, एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड एलिमिनेट, दिस इज द आंसर, ठीक है।
एक सवाल और कर लेते हैं, ये वाला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आ गया। देखो अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हमने पढ़ा था, जीआईबी पढ़ा था, कितनी पॉपुलेशन है, गुजरात में है, राजस्थान में है, बेसिकली मध्य प्रदेश सॉरी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका में भी है, मैक में मैंने बताया था। खुबारा बस्टर्ड के बारे में मैंने बताया था, फ्लोरिकन्स लेसर फ्लोरिकन वो भी बस्टर्ड फैमिली के ही हैं, और मैंने बताया था सिंगल एग ले करते हैं ग्राउंड पे, ठीक है ये बड़ी दिक्कत है, हैवी बर्ड है, फ्रंटल विजन कम है, साइड विजन स्ट्रांग है तो टकराते हैं, ज्यादा वेट है टकराएंगे, रिफ्लेक्टर लगाने की बात की है। तो अभी इसको पूछ लिया डेजर्ट नेशनल पार्क पे, आप चलो मुझे नहीं पता क्या है ये, चलो देखते हैं। स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द वन ऑफ द नेचुरल जीआईबी का तो नेचुरल हैबिटेट है, तीसरा पक्का ठीक है। आपको लगता है ह्यूमन हैबिटेशन होगी इनसाइड द पार्क, हर नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन हैबिटेशन है, ठीक है, जैसे ही आप उनको डिक्लेयर करते हो तो उनको रीसेटलमेंट करना होता है, बट रीसेटलमेंट इज वॉलंटरी, यू कांट फोर्स देम, पीपल आर लिविंग देयर, तो आप ये थोड़ी आप उनको भगा दोगे, वॉलंटरी रिलोकेशन रीसेटलमेंट होता है वाया अट्रैक्टिव पैकेजेस, आप अट्रैक्टिव पैकेजेस दोगे वो है। कितनी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट, आप किसी भी नेशनल पार्क में जाओ लोग दिखेंगे आपको, किसी भी नेशनल पार्क में जाओ वो तो चलो कुछ हो सकते हैं कि वहां नहीं है, हर जगह मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे, सरिस्का में मैं गया था वहां थे, रणथंबोर में थे, मिलते ही हैं, ह्यूमन हैबिटेशन क्या सब मिलेंगे, उनके परिवार मिलेंगे, उनकी कैटल मिलेगी, ठीक है वो ऐसे नहीं जाते, अट्रैक्टिव पैकेज जब तक नहीं मिलेगा, अट्रैक्टिव पैकेज बड़ी दिक्कत आती है। अब अट्रैक्टिव पैकेज क्या है वो बड़ा एक इशू बनता है इसमें ना, रिलोकेशन में, क्योंकि मान लो जंगल में रह रहे थे, जंगल में ना वहां लाइट थी ना बिजली थी, ठीक है ना पानी की सुविधाएं थी, और ये जब उनको बाहर सेटल करते हैं वो सारी चीजें डिमांड करते हैं, चलो पॉजिटिव ये डिमांड तो करेंगे अच्छी बात भी है होना भी चाहिए, पर वो सारी चीजें फिर वो कितनी प्रोवाइड करेंगे कितनी करेंगे उसमें बड़ा टाइम लगता है, जंगल में तो बिना इसके रह रहे थे पर बाहर करेंगे तो सारी चीज डिमांड, अट्रैक्टिव पैकेज बोलते हैं ना, ठीक है तो वो है। तो मेरा दूसरा ऑप्शन हटाओ एक बार, दूसरे ऑप्शन से आंसर आ रहे हैं काटने से, ह्यूमन हैबिटेशन है और चलो किसको पता है थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट, ये थोड़ा फैक्चुअल है, जैसलमेर और बाड़मेर दो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसलमेर और बाड़मेर दो हैं, दो ही हैं, ठीक है ये एक सवाल है, ये नो हैबिटेशन है बिल्कुल है, ठीक है तो ये है एक ना, तो ठीक है फिर आज इतना ही करेंगे।